नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ टाइम पहले मेरे साथ घटित हुई। दोस्तों, मेरे साथ 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंटली फेस बर्न हो गया था, जिसके चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा मेरा फेस बर्न हुआ, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने उसके चलते मैं एक्सीडेंटली मेरा जो फेस बर्न हुआ था वो खाना बनाते हुए प्रेशर कुकर से बर्न हुआ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड का लगभग पूरा हिस्सा बर्न हो गया था, जिसमें मैं थैंक गॉड करती हूँ कि मेरी आईज बच गई। आईज बचने की वजह से मैं फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उसके साथ साथ डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया स्किन स्पेशलिस्ट से, जिसमें मुझे 3.5 से 4 महीने मैंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट लिया। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते हुए मैं जब जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर से एक ही सवाल पूछा मैंने कि मैं कब तक रिकवर हो जाऊंगी। डॉक्टर का मेरा भी एक ही क्वेश्चन रहता और डॉक्टर का आंसर भी सेम रहता। मेरा क्वेश्चन भी इसलिए लाजमी था कि जिस दिन मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई उसके नेक्स्ट डे मुझे देखने आने वाले थे। उसके साथ ही रिकवरी का वेट करने के लिए इसे डॉक्टर से बार बार मैंने क्वेश्चन किया। डॉक्टर को सारी चीज़ मैंने बताई कि हाँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते अभी, क्योंकि इसकी रिकवरी में आपको टाइम लगेगा और बेटा हो गया है तो टाइम तो लगेगा ही आपको ठीक होने में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैंने 3.5 महीने के बाद मैंने 5वां मंथ जैसे स्टार्ट हुआ मैंने डॉक्टर से फिर दोबारा पूछा कि डॉक्टर मुझे क्लियर बताइए कि मैं ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इतना क्लियरली सुनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 70% ही ठीक हो पाएंगे। वो उसका रीज़न कि जिस जगह पे आपका बर्न हुआ है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन में आता है, जिसकी वजह से हम उस पर ज़्यादा कोई हार्ड केमिकल यूज़ नहीं कर सकते जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो उससे और भी ज़्यादा परेशान मैंने पूछा कि सर कितना मुझे टाइम लगेगा या कोई और उपाय उसका। तो उन्होंने मुझे लेज़र और सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, जिसमें मुझे लेज़र के लिए सजेस्ट करते हुए एक चीज़ और क्लियर की कि अगर आप लेज़र कराते हैं तो उसमें भी सिर्फ आपका 10% ही चांसेस हैं आपके ठीक होने के। और दूसरा सजेस्ट किया मुझे सर्जरी के लिए, जिसका 8 से 9 लाख रुपए खर्चा है, जो कि नॉर्मल सर्जरी का खर्चा है। अगर हम फेस की सर्जरी की बात करें तो वो 8 से 9 लाख एक्सपेंसिव ही पड़ती है। उसको चलते हुए मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगी। उसके 2 रीज़न थे कि अगर मैं अपनी फैमिली को बता दूं तो वो इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, जिसके कारण मैं और ज़्यादा परेशानी हुई और भी ज़्यादा मैंने। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी फैमिली, मेरे फादर नहीं हैं और मेरे मदर हार्ट की पेशेंट हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी उन सभी बीच। तो इन सब परिस्थितियों में मैंने डिसाइड किया मैं उन्हें नहीं बताऊँगी। तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाई उन सभी चीज़ों को और उन्हें कुछ दिनों बाद पता चला। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कहा कि अब इसकी शादी कैसे होगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक बीइंग अनमैरिड गर्ल के लिए उसका फेस कितना मैटर करता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात थी और मेरी फैमिली के लिए कि अब क्या होगा और कैसे होगा। मैं डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद में अपने जीवन से ठीक होने की हर उम्मीद खो चुकी थी कि शायद अब मेरा फेस कभी पहले जैसा हो पाएगा। मैंने उन सब चीज़ों के बाद मैं डिप्रेशन में जाने लगी अपनी फैमिली को चिंता को देखते हुए, और मैं काफ़ी दिन तक डिप्रेशन में रही। करीब 20 से 25 दिन बाद मेरी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, जिनका नाम है मिस्टर रामनंदन ठाकुर। मैं एक बार उनके लिए तहे तालियां चाहूँगी। जिनसे एक डिटेल डिस्कशन के बाद मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि शायद अब मेरा फेस ठीक हो पाएगा। मैंने उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किए, एलोवेरी जेली क्रीम, एलो प्रोपोलिस, एलो फर्स्ट, एलो लिप्स, एलो फर्स्ट, आथ्री फैक्टर, एवोकाडो सॉप, ये सभी मैंने यूज़ करना शुरू किया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे विद इन मंथ इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जिसे मैं बयां नहीं कर सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपनी लाइफ में।
मैंने हर तीसरे चौथे दिन में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखी इनको यूज़ करते हुए। आज मैं प्रेजेंटली आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं 97% तक रिकवर हो चुकी हूँ सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट की बदौलत। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है कि मैं जिस उम्मीद को मैं अपनी लाइफ से खो चुकी थी, शायद इन प्रोडक्ट की बदौलत मैं वापस उस कॉन्फिडेंस लेवल को वापस ला पाई अपनी लाइफ में। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ कि मैं अब हर चीज़ को फेस कर सकती हूँ। मैं मिस्टर रामनंदन ठाकुर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और जो मेरी लाइफ में उम्मीद नहीं थी उसको उम्मीद को जगाते हुए मेरी लाइफ में एक नया मोड़ दिया इन प्रोडक्ट के बदौलत। अंत में मैं मिस्टर रेक्समोन और रूबी सर का धन्यवाद करूँगी, एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए कि मैं उनके बदौलत उनसे ठीक हो पाई। और अंत में मैं ईश्वर से इन सभी के लिए कामना करती हूँ कि वो उनको आजीवन स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद दोस्तों।